हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीते दिन रेवाड़ी के बस अड्डे पर स्टूडेंट हरेंद्र कुमार हत्याकांड से उनके गांव धोकिया के ग्रामीणों में भारी रोष है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में एसपी दीपक सहारण से मिलने जिला सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों ने एसपी को बताया कि गांव में कल से किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला है, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीती देर रात पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस हत्याकांड में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें एक धीरज और मच्छर भी शामिल बताया गया है, जिस पर पहले से आपराधिक केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए दोनों नाबालिग आरोपी भी वारदात में शामिल थे, जिनसे अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए 2 CIA की टीमें लगी हुई हैं। एक टीम राजस्थान में छापेमारी कर रही है। ग्रामीणों को SP दीपक सहारण ने ग्रामीणों के सामने डंकी की चोट पर कहा कि अपराधी को सजा दिलाना पुलिस का काम है और मैं अपराधियों को फांसी की सजा तक लेकर जाऊंगा। आपको बता दें कि बीते दिन दोपहर के वक्त रेवाड़ी के गांव ढोकिया निवासी हरेंद्र कुमार का दिन दहाड़े रेवाड़ी के बस स्टैंड के अंदर चाकू से घुसकर कत्ल कर दिया गया था। हमलावरों ने उसके पेट और छाती पर चाकू से वार किए। घाव ज़्यादा गहरे होने के कारण काफ़ी खून बह गया और हरेंद्र की जान चली गई। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और हरेंद्र को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। हालांकि शुरुआत में पुलिस को मृतक की पहचान करने में काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन देर शाम उसकी पहचान होने के बाद जाँच आगे बढ़ी तो हमलावरों की भी पहचान हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि इसी सत्र में मृतक हरेंद्र ने 12वीं की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद उसने रेवाड़ी की ब्रॉस मार्केट से कंप्यूटर की कोचिंग शुरू की थी। हरेंद्र के पिता धर्मेंद्र सरकारी टीचर हैं, उनके 2 बेटे हैं जिनमें मृतक हरेंद्र बड़ा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि हरेंद्र का आरोपियों के साथ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। मामला सामने लेकर क्या है, 2 चक्कू मारा गया था कल युवक। कल एक नवयुवक हरेंद्र नाम के हैं, जो ढोकिया गांव का रहने वाला था, जो कि ग्रास मार्केट रेवाड़ी में कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने आए हुए थे। वो अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड रेवाड़ी पे जब आ रहे थे तो रास्ते में उनकी 3 लड़कों से कुछ कहा सुनी होगी और इस झगड़े में एक जो युवक था उसने उसको चाकू मार दिया, जिसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में जैसे ही मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी श्री दीपक सारण IPS इन्होंने फौरी तौर पे मेरे अगुवाई में CIA की 3 टीमें गठित की और हमने मुस्तैदी से पुलिस ने काम करते हुए और दो अपचारी बालक जो जुनाइल हैं उनको पुलिस अधीक्षा में लिया गया है। ये सर पढ़ते हैं दोनों बच्चे, ये भी कोचिंग ले रहे हैं? ये अभी पढ़ते हैं। तो सर क्या कुछ मामला रंजीत सामने लेकर के आई है जो लड़ाई झगड़े को लेकर? कोई रंजीत से अभी तक सामने नहीं आई है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जो दोनों के रोड पर चलते हुए एक दूसरे से टकरा गए थे और इसी बात को लेके झगड़ा बढ़ गया और उसमें चाकूबाजी हो। बताया जा रहा सर पहले शराब भी पी रहे थे बैठ के झगड़े से पहले एक होटल में बस स्टैंड के पास ही। वो तफ्तीश चल रही उसके बारे में और मौके से जो सबूत हैं सारे जुटाए जा रहे हैं। तो जो सर अभी एक मेन आरोपी जो फरार है कब तक उसकी गिरफ्तारी करेगी? मेन जो आरोपी फरार है उसको पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। सर वही हैं, क्या एक समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि सारे नाबालिग बच्चे बताए गए हैं सर? सारे नाबालिग जो भी हैं इसके अंदर जो नाबालिग भी बच्चे हैं और मेरा कहना यही अपील है कि जो बच्चे शहरों में पढ़ने आते हैं उनके परिवार वालों को उन पे चेक रखना चाहिए और हम लोग पुलिस भी उस पे समय समय पे चेक रखें। ठीक है जी, थैंक यू सर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।